हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम जब इम्पल्स फंक्शन आ जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका जो फॉर्मूला हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये, तो निकालना शुरू करते हैं। पहले देखा, फाइंड द फोरियर ट्रांस, पहला है एफ टी इक्वल्स टू डेल्टा टी। तो सीधा काम करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का? एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है? एक्स टी यहाँ पे वो फंक्शन है, यानी एक्स टी या एक्स टी लिखो या एफ टी लिखो, तो यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मैं इसमें लगा दूंगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये कितना आ जाएगा? डेल्टा टी ए की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है? अब एक प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, जब डेल्टा टी किसी के साथ मल्टीप्लाई में आता है, अगर कोई डेल्टा टी के साथ, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, वो कौन सी? डेल्टा टी माइनस टी नोट है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो वो क्या, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, कितना होगी? टी कस टू टी नोट, तो टी कस टू टी नोट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, टी कस टू टी नोट, यानी टी माइनस टी नोट को जीरो के इक्वल पुट किया हमने, तो टी की जगह टी नोट आ गया। तो इसी टी नोट को मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा? जहाँ पे एक्स टी में टी आ रहा होगा। तो ये क्या बन जाता है फंक्शन? डेल्टा टी माइनस टी नोट एक्स ऑफ टी नोट, ठीक है? इस प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मैं डेल्टा टी को कैसे लिख लूँ? डेल्टा टी माइनस जीरो लिख लूँ, ई की पावर जे ओमेगा टी डी टी। तो टी नोट की वैल्यू आ गई जीरो, तो टी नोट की वैल्यू जीरो मैं कहाँ पे लगा दूंगा? जहां पे टी आ रहा होगा पूरे फंक्शन में, ठीक है? तो टी की जगह लगा दो, डेल्टा टी माइनस जीरो, तो जहां पे ये जहां जहां पे मैं टी देखेगा पूरे में सब में लगा दूंगा, एक ही बार जे ओमेगा जीरो डी टी, ठीक है? तो ये एक्स ऑफ ओमेगा कितना आ गया? ई की पावर, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ई की पावर जीरो मैं बाहर ले लूं, ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये बताओ मुझे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी क्या किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर द, ये क्या है? एरिया अंडर अंडर दिस डेल्टा टी कितना होता है? वो वन होता है, ठीक है? तो एक्स ऑफ ओमेगा हमारा कितना आ गया? ई की पावर जीरो तो वन है, और अंदर से कितना आया ये पूरे इंटीग्रेशन का आंसर? वन होता है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? तो एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? वन आ गई, ठीक है? तो ये किसका किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया? डेल्टा टी का, ठीक है? तो डेल्टा टी का हमें आगे से याद रखना, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? वन होता है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट बना के लिखो अच्छे से, ठीक है? अगला फिर हम बढ़ते आगे की तरफ। इसी तरह से सेकंड, अब सेकंड करेंगे, ठीक है? सेकंड क्या दे रखा था? एफ टी की जगह दे रखा था फंक्शन डेल्टा टी प्लस थ्री, शायद डेल्टा टी प्लस थ्री या डेल्टा टी प्लस थ्री। तो डेल्टा टी प्लस थ्री, ठीक है? ऐसे ही करेंगे सेम टू सेम, अब समझ आ गया होगा मुझे लगता। तो यहाँ से निकालते हैं डायरेक्ट, अब एक्स ऑफ ओमेगा, इतनी लंबी कहानी नहीं लिखेंगे। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी प्लस थ्री ई की पावर जे ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ से टी प्लस थ्री को जीरो के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से जो हमारा टी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस थ्री। तो इस टी की वैल्यू कहाँ पर रख दूंगा मैं? जहाँ जहाँ पे टी आ रहा होगा, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी प्लस थ्री ई की पावर माइनस जे ओमेगा माइनस थ्री डी टी। तो ये तो कॉन्स्टेंट पार्ट हो गया, इसको मैं बाहर निकाल दूं इंटीग्रेशन से,
एक्स ऑफ ओमेगा जिकस टू ई की पावर जे ओमेगा थ्री माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी प्लस थ्री डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी प्लस थ्री डी टी, ये अगेन वन हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरी इम्पल्स है वो क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। अगर इम्पल्स की जो पोजिशन है इन दोनों, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, यही तो मेरी डेल्टा टी प्लस थ्री होगी। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इसको, वो कहाँ पे होगा, डेल्टा टी प्लस थ्री यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये क्या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में, अगर ये बीच में आती है ना, ठीक है, माइनस तीन बीच में आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हो जाती है वन, ठीक है। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, पूरा ये हो जाएगी वन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा वन हो गया, ई की पावर थ्री जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय वन। तो एक्स ऑफ ओमेगा क्या आ गया मेरा, ई की पावर थ्री जे ओमेगा, ठीक है। यानी डेल्टा टी प्लस थ्री का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, ई की पावर थ्री जे ओमेगा, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज मैंने नहीं पढ़ाई है, केवल अभी हम बेसिक्स पे ही हैं, फॉर्मूलों के हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी का भी यूज करते सीखते जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड वन था, थर्ड वन जो है हमारा कितना है, थर्ड वन, थर्ड वन, तो मैंने फंक्शन लिख लिया इसको, इसका निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या आएगा, डेल्टा थ्री थ्री आ रहा, यानी स्केलिंग वाली प्रॉपर्टीज है, और इसमें स्केलिंग प्लस डेरिवेटिव है डेल्टा का, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका ये तो एफ का निकाल लें हम, तो एफ ऑफ ओमेगा लिख लूँ इसको मैं, ठीक है, पीछे वालों में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन क्या पूरा हमारा, डेल्टा थ्री टी माइनस डेल्टा डैश टू टी, इसको ब्रैकेट में लिखो, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग लिख लूँ हर एक फंक्शन के साथ, अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा थ्री टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। माइनस अगले वाले के साथ भी ऐसे ही करूंगा मैं काम, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा डैश टू टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी टी टी, ठीक है। बहुत ध्यान से अब प्रॉपर्टीज का यूज आएगा। तो प्रॉपर्टीज का मैं पहले पहले प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्या डेल्टा ए टी लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है, वन अपॉन मोड ऑफ ए डेल्टा टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है जो मैंने पढ़ाई थी शुरू में। तो पहले वाले का काम तो इसी से चल जाएगा, देखो पहले वाले पार्ट के लिए मैं करता हूँ, और दूसरे वाले पार्ट के लिए मैं हाथ हाथ बता देता हूँ, क्योंकि दोनों पार्ट साथ ही करने। अगर डेल्टा डैश टी का हमारा और आता है, ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये किसी फंक्शन के साथ एक्स टी, ठीक है, तो ये इस इक्वल हो जाता है किसके, माइनस एक्स ऑफ जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा टी है या टी 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 माइनस टी नोट है, उसको हम उसके हिसाब से बना लेंगे, क्योंकि जो टी की जगह तो वैल्यू रखनी होगी अगर डेल्टा के अंदर आ रहा है। तो हमारा अब इस्तेमाल मैं करता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ ओमेगा जिकस टू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पहले डेल्टा थ्री टी को सोल्व करो, डेल्टा थ्री टी क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, वन बाय थ्री, एक ही जगह कितना तीन डेल्टा टी, ठीक है। अभी डेल्टा पे चेंज हो गया, अब आसान रहेगा इसको सोल्व करना, माइनस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो डेल्टा के साथ ये फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन और माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। तो मैं माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो कितना आएगा, माइनस जे ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। ई की पावर का सेम रहता है बाय चेन रूल, ई की जे चेन रूल से माइनस जे ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस जे ओमेगा, और यहाँ से डेल्टा पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन हट जाएगा,
ये कितना आ जाएगा डेल्टा 2t, ठीक है अभी तो 2t रहेगा, बस ये अब ये होता जा रहा है, बस इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, अब बस सिंपलीफाई करना रहेगा इसको एफ ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी है अगेन, इसको कैसे लिखेंगे, टी माइनस टी नॉट, तो 1/3 को मैं बाहर निकाल दूँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डेल्टा टी को कैसे लिख लूंगा मैं, टी माइनस जीरो ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये माइनस दो माइनस अंदर है तो प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जे ओमेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, डेल्टा टू टी को क्या लिख लूंगा अगेन प्रॉपर्टी से, ये आ जाएगा 1/2 डेल्टा टी, ठीक है डी टी। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो एफ ऑफ ओमेगा इजिकल्स टू कितना आ गया, अब मैं क्या करूंगा इस वाले टी, यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब मैं निकालूंगा, और जीरो को मैं कहाँ रख दूंगा जहाँ फंक्शन में टी आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, कितना आ जाएगा ये 1/3 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस जीरो ई की पावर, ये कितना हो जाएगा माइनस जे ओमेगा जीरो यानी जीरो, ठीक है माइनस, ये जे ओमेगा बाय टू को मैं बाहर ही ले लेता हूँ इंटीग्रेशन से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, ऐसे लिख लूंगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, इसको क्या लिख लूंगा डेल्टा टी माइनस जीरो अगेन, ठीक है, अब आसान बनता जा रहा है ये, बस वैल्यू को मैं ई की पावर जीरो होता है 1, तो एफ ऑफ ओमेगा कितना आ गया 1/3 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी माइनस, यहाँ पे क्या रख दूंगा टी कस टू जीरो अगले वाले में भी, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो टी की वैल्यू कितनी आएगी, इसे जीरो के कुल पुट करूंगा तो यही वैल्यू पुट को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, तो ई की पावर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, टी की जगह जीरो रखूंगा तो, और ये डेल्टा टी माइनस जीरो डी टी, ठीक है, तो यहाँ से आ गया कितना आ गया एफ ऑफ ओमेगा इजिकल्स टू 1/3, इसकी वैल्यू कितनी होती है अभी सबसे वाले पहले वाले में हमने यूज की थी, ठीक है, ये एरिया अंडर द इम्पल्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1 होता, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है डेल्टा टी की तो हमेशा याद ही होनी चाहिए, ऐसे ई की पावर 0 1 हो जाएगा अगेन डेल्टा टी का एरिया बचेगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से एफ ऑफ ओमेगा जो फंक्शन दे रखा था उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वो कितना आ गया 1/3 जे ओमेगा बाय टू, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, और इस पे क्वेश्चन आ सकता, देखो हमने 3 क्वेश्चन किए इसमें, काफी इंपल्स पे क्वेश्चन हमेशा करने चाहिए, आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आएगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ, इस तरह के मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।